तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार SSC 2023 का जो भी हालिया नोटिफिकेशन आया है 13 मई को, उसके बारे में। तो हम देखेंगे आयोग ने जो एक सूचना डाला है उसके अनुसार आयोग ये कह रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी थे उनके द्वारा 27/9/2023 से 11/12/2023 तक आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिसमें से 27,935 अभ्यर्थियों के द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भी अंतिम रूप से आवेदन समर्पित नहीं किया गया है, सूची संलग्न है। और 27,935 लोगों का नाम लिस्ट के साथ आयोग ने दिया है, जिन लोगों ने ये फॉर्म तो भरा है लेकिन फीस भर दिया है लेकिन ये फॉर्म अच्छे से नहीं भरा है। और ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनको निर्देशित किया गया आयोग के द्वारा कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। सभी प्रकार के त्रुटि निवारण हेतु 27/5/2024 संध्या 5 बजे तक का समय अंतिम रूप से दिया जा रहा है। तो 27 मई लास्ट तिथि है कि आपको जो 27,935 लोग हैं जिन्हें मैं लिस्ट भी दिखा दूंगा, आप लिस्ट देखेंगे तो जो सबसे अंतिम कैंडिडेट है उनका अगर मैं नाम बताऊं तो उनका नाम जो आयोग ने दिया है लिस्ट के हिसाब से वो है रणधीर कुमार, जिनके पिता हैं श्री खेलो चौधरी। तो ये 27,935वें व्यक्ति हैं, यानी कि कुल जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उनमें से 27,935 लोगों ने अपना आवेदन अच्छे तरीके से नहीं किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो कि 13 मई से ये साइट चालू हो गया है, आप जाएं साइट पे और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करें। और क्या कहते हैं, आपको एक तत्कालिक फ़ोटो डालना होता है, इसमें लाइव फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो ये सब चीज़ करें ताकि एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो। हालांकि जैसा कि 23 मई जो अंतिम तारीख है उसके हिसाब से, सॉरी जो 27 मई अंतिम तारीख है इसके बाद ये नहीं खुले, क्योंकि हो सकता है जैसे लोकसभा चुनाव ख़त्म होंगे पेपर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो सब वैकेंसी हैं ये मतलब बिहार SSC के साइट पर जाएँ और पूरा चेक करते हुए फॉर्म जल्दी से सबमिट करें। नमस्कार, जय हिंद।